नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में चल रहे चीन की फैक्ट्रियों में चीन ने नमाज पढ़ने पे लगाई पाबंदी। अगर किसी ने पढ़ी नमाज तो दोस्तों, पूरी न्यूज देखने के बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर शेयर कर दे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं पूरी खबर। दोस्तों, चीन के उइगर मुसलमानों के हालातों से पूरी दुनिया इस वक्त वाकिफ है और शायद अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के मुसलमानों के हालात भी दयनीय हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण चीन का पाकिस्तान पर बढ़ रहा दबदबा। पाकिस्तान में सड़कें, हॉस्पिटल, कॉलेज, मॉल, कंपनियां ज्यादातर चीन बना रहा है और उनको बनाने के लिए जिस सामान का इस्तेमाल हो रहा है उसे भी चीन अपने देश से ही मंगवा रहा है। ऐसे में वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत कर्ज में डूबे पाकिस्तान के पास भविष्य में चीन की गुलामी करने के अलावा बचेगा ही नहीं। दोस्तों, हालांकि पाकिस्तान की सरकार और प्रशासन चीन के इन नियमों को लेकर कुछ नहीं कर सकता, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान चीनी कर्ज में डूबा देश है। सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्ट्रियों के मालिक उनसे जबरदस्ती नहीं कर रहे, वे लोगों को रास्ता दे रहे हैं, या तो नमाज मत अदा करो या फिर नौकरी छोड़ दो, आपकी जगह कोई और काम कर लेगा।